गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी कैमरे की मदद से कई बार शातिर चोरों को पुलिस ने पकड़ा है या आपने उन्हें पकड़ते देखा है, मगर कभी किसी पुलिस वाले को खुद कैमरा ढकते नहीं देखा होगा। पुलिस का काम सीसीटीवी लगवाना और उस पर निगरानी रखना है, ना कि कैमरे को ढककर काम करना। जी हाँ, एक ऐसा ही अजीबोगरीब मामला हरियाणा के नारनौल जिले से सामने आया है, जहां साफ देखा जा सकता है कि थाने में दो पुलिस वाले खड़े हैं, एक गेट के पास और दूसरा इधर उधर ताकता नजर आ रहा है। एक शख्स नीचे गद्दे पर बैठा है और दूसरा कुर्सी पर। दोनों शख्स पुलिस वाले से कुछ बात करते हैं और तभी पुलिस वाले को दीवार पर कैमरा नजर आता है। वो कैमरे की तरफ बढ़ता है और सीसीटीवी कैमरे को कागज से ढक देता है, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराता है और ये केस हाई कोर्ट तक पहुंचता है, जहां पीड़ित व्यक्ति ने कोर्ट के सामने ये सीसीटीवी फुटेज पेश करता है। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस इस पर कार्रवाई शुरू करती है। कार्रवाई में उनको सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिस पर वो एक्शन लेते हैं। उसके बाद इस फुटेज को हाई कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है, जिसके बाद आदेश आता है कि इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वी न्यूज के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।